दिखी कल अमित शाह जी ने और अरुण जेटली जी ने सार्वजनिक करते हुए कहा था कि ये डिग्री आप जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय से वीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय हम लोग आए और जिस प्रकार का भय का माहौल यहाँ देखा, यहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है डिग्री के बारे में। कहा गया वीसी साहब बहुत व्यस्त हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। हमने कहा रजिस्ट्रार से मुलाकात करा दीजिए, कहा गया रजिस्ट्रार बाहर है। हमने कहा कंट्रोलर एग्जामिनेशन से मुलाकात करा दीजिए, कहा गया उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकती। हमने कहा डिप्टी रजिस्ट्रार से मुलाकात करा दीजिए, कहा गया उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकती। फिर बहुत मुश्किल से ये कहा गया कि कल 3 बजे वीसी साहब मुलाकात करेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी की डिग्री इतनी सही और सच्ची है तो वीसी साहब और दिल्ली विश्वविद्यालय सीआईसी के आदेश के बावजूद उस डिग्री को सार्वजनिक करने से क्यों डर रहा है? उस डिग्री के जुड़े हुए रजिस्टर क्यों नहीं दिखा रहा? उस डिग्री से जुड़े हुए सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहा है? उसके रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है? आज कुछ और बातें आपके सामने रखनी है जिससे पूरी तरह से हमारा संदेह सच साबित होता है कि इस डिग्री में फर्जीवाड़ा किया गया। मैं चाहूंगा आशुतोष जी वो आपके सामने। दोस्तों कल बीजेपी के अध्यक्ष अमित इधर सर इधर और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए। जो डॉक्यूमेंट्स वो ये है, ये डॉक्यूमेंट्स कल उन्होंने पब्लिक किए और ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की मार्कशीट है। इसको आप लोग जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैमरे पे भी जरा जूम करा लीजिएगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इधर 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 ये आपके पास भी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप चाहेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको दो मार्कशीट दिखाना चाहता हूँ, एक 1978 की है और एक 1980 की है। ये दो मार्कशीट सर इधर इधर इधर, ये किसी और की मार्कशीट है, ये मोदी जी की मार्कशीट नहीं है, लेकिन 1978 दिल्ली विश्वविद्यालय की है और 1978 भी दिल्ली विश्वविद्यालय की मार्कशीट है। 1980 अब ऊपर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैसे लिखा हुआ है और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैसे लिखा, ध्यान दीजिए इस पर। इसमें बड़ा स्टाइलाइज तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है और ये जो 1978 की ही डिग्री है ताकि मार्कशीट है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत साफ तरीके से बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए नाम जो लिखा हुआ है वो हाथ से लिखा हुआ है, कौन सा कोर्स था वो भी हाथ से लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग। अब ये जो मोदी जी की डिग्री जिसको बताया जा रहा है उसमें कहीं नाम हाथ से नहीं लिखा हुआ, ये टाइप्ड है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी। और सिर्फ इसी 75 वाले में नहीं, 76 वाले में भी, 77 वाले में भी, ये 78 वाले में भी और इसके बाद की जो एक आखिरी है उसमें भी, सब जगह टाइप करके लिखा गया है जबकि नाम जो ओरिजिनल था। और ये 1978 नाम और 1980 की डिग्री दोनों नाम देखिए वो लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसमें मोदी जी के जितने मार्क्स बताए गए हैं वो सारे के सारे टाइप्ड हैं या कंप्यूटराइज हैं, डिजिटाइज हैं या फिर टाइप किए गए, हाथ से नहीं लिखा गया है। अब ये आप देखिए मार्कशीट, ये 1978 की मार्कशीट है, यानी उसी साल की मार्कशीट है जिसने दावा किया गया नरेंद्र मोदी जी की मार्कशीट आई। सारे मार्क्स आप देखिए हाथ से लिखे गए, 140 66, ये देख लीजिए सारे मार्क्स जो हैं वो हाथ से लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। और इतना ही नहीं इसमें आप देखिए ये 1978 की मार्कशीट है, ये पास्ट भी हिंदी हाथ से लिखा गया है। 1980 में भी ये हाथ से लिखा गया पास्ट, मोदी जी में क्या लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है पास्ट, देख लीजिए इसको, ठीक है। अब इसको देखिए मोदी जी की जो मार्कशीट है चेक्ड बाई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब ये देखिए आप प्रिपेयर्ड बाई एंड चेक्ड बाई, दोनों सिग्नेचर है इसमें। मोदी जी की मार्कशीट में सिर्फ चेक्ड बाई है,
और ये सिर्फ 1978 में भी यही चीज़ है प्रिपेयर्ड बाई एंड चेक्ड बाई, 1980 में भी है ये प्रिपेयर्ड बाई एंड चेक्ड बाई। अब सवाल ये है, आप देखिए फिर यहाँ जो मार्क्स का टोटल किया गया है 1980 में वो भी हाथ से है, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ वो भी हाथ से है, यहाँ ग्रैंड टोटल किया गया ये भी हाथ से है, यहाँ रोल नंबर जो दिया वो भी हाथ से, यानी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें ज़्यादातर चीज़ें हाथ से लिखी हुई हैं, क्योंकि 1978 में इस देश के अंदर कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर का भी ऐसे टेबुलेशन करने में दिक्कत आती थी, इसलिए हाथ से लिखे होते थे। ये 1980 का मार्कशीट है, ये 1978 की मार्कशीट है जब मोदी जी वहाँ पास हुए हैं, और ये मोदी जी की मार्कशीट है जिसमें कहीं से कुछ भी हाथ से लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिस भी आदमी ने फर्जीवाड़ा किया है, जिस भी आदमी ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसने पूरी कोशिश की है कि अगर कल जांच हो जाए, फॉरेंसिक टेस्ट हो, तो यह पता ना चले कि किस आदमी के हैंडराइटिंग से यह बनाया गया है। यह है इनके फर्जीवाड़ा का सच, और मैं चैलेंज करता हूं इसको गलत साबित करके दिखाएं। तो सर अभी आपको उम्मीद है कल अपॉइंटमेंट मिला है, मैं यही बात वाइस चांसलर जी से हम लोग कहने के लिए आए थे कि ये देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मसला है, और ऐसे प्रधानमंत्री का मसला है जो पिछले 30 साल में सबसे पावरफुल माने जाते हैं अपने बल पे, जिनके पास बहुमत है। गुजरात में ऐसे नेता के बारे में बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि कुछ भी वहां हो गया है गुजरात के अंदर। तो हम सिर्फ वाइस चांसलर जी से कहना चाहते हैं कि एक एक डॉक्यूमेंट की हमारे पास जानकारी है, अगर कहीं किसी स्तर पर कुछ भी गड़बड़ होगा और ऊपर से अगर दबाव आया, क्योंकि ये लोग सक्षम है दबाव बना के सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी करने में, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो स्टोरी आई थी उसमें लिखा हुआ था नॉट सिक्योर्ड कैन लीड टू एक्सीडेंटल लॉस, तो मैं उनको ये बताना चाहता था कि तो आप डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दिए, उन्होंने दिखाया नहीं, कल का वक्त दिया, बहुत अच्छी बात है, हम कल उनसे मिल लेंगे। क्या आज का टाइम मिला था? आज का टाइम मिला था, हमने कोशिश की थी लेकिन उनसे नहीं मिल पाया था। दूसरी बात मैं बता दूं, जो दूसरा सबसे बड़ा झूठ है, 1925 जून 1975 को इस देश के अंदर इमरजेंसी लगी, जो एक ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी किताब में लिखा है, कई किताबों में जिक्र है कि वो पुलिस उनको खोज रही थी मीसा के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे आपके एनएसए है इस तरीके से था, मीसा के तहत उनको खोजा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं साधु का वेश बना के घूम रहा था पूरी दुनिया में, अंडरग्राउंड हो गया था। जब आप अंडरग्राउंड हो गए, 19 महीने तक इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू रही, वैसी स्थिति में आप क्या आए थे यहाँ अपना परिचय देके एग्जाम भरने के लिए? दूसरी बात, 25 जून 19 कल एक आदमी, फर्जी आदमी को पेश किया गया, देश के वित्त मंत्री ने पेश किया कि ये नरेंद्र मोदी के साथ रहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ ABBP का जो दफ्तर है, उस दफ्तर में मोदी जी जब आते थे तो वहाँ रहते थे। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लागू की गई, तो जितने RSS विरोधी पार्टियों के दफ्तर थे, उन दफ्तरों को सील कर दिया गया था। सील करने के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं को फौरन रातों रात अरेस्ट कर लिया गया। जब दफ्तर सील हो गया और जब आप साधु के भेष में घूम रहे थे, तो आप कहाँ ठहरे हुए थे? ये इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दोनों 75 का एग्जाम दिया, न 76 का एग्जाम दिया, क्योंकि 77 में जाके इमरजेंसी उठी। तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत मोदी जी की इस डिग्री को फर्जीवाड़ा किया गया है। असली जो डिग्रियां, जो मार्कशीट जिन लोगों की है उनकी डिग्री में, और ये जो बनाई गई मार्कशीट, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये कोशिश की गई, ये सतर्कता बरती गई है कि कहीं पे हाथ से कोई चीज़ ना लिखी नजर आए, ताकि जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया वो पकड़े ना जाए। ये सच्चाई है, यही बात है।